Hey, good morning to all. This is Mr. Anand Kumar and I welcome you all in my YouTube channel. So, dear students, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 8 English Bullet Literative Part Chapter 3, The Language of Love के बारे में. बच्चे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को भेजा. ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते एक ही समय पर, इसलिए उन्होंने माँ को भेजा है. तो इस कहानी में माँ और बेटी के बीच के संबंधों के बारे में, प्यार के बारे में जानेंगे कि माँ का क्या ममत्व होता है. हाउ मच द मदर्स इज क्यूरियस फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए माँ कितना हमेशा क्यूरियस रहती हैं, हमेशा कितना केयरफुल रहती हैं, ये हम लोग को जानने के लिए इस स्टोरी में मिलेगा. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना. बच्चे, कहानी जो है ना, इसमें तीन मेन कैरेक्टर हैं. लिंडा जो कि मदर का रोल कर रही है, मिली जो कि इनकी बेटी है, और नादिया. नादिया एक ब्लोंड गर्ल है और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बोल्ड गर्ल भी है. यह हमेशा बातें किया करती है और बात करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करती है. ये मिली की फ्रेंड है. शुरू करते हैं कहानी को बच्चे. तो लंदन में प्लेस कर रहा स्टोरी है. लिंडा नाम की एक लेडी है जिनकी एक बेटी है. काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा प्रिटी है. घुंघराले बाल, तिरछी आंखें और कह सकते हैं गुलाबी होंठ. काफी ज्यादा सुंदर बच्ची है. कहा जा सकता है कि ऐसी सुंदर बच्ची को पाकर लिंडा काफी ज्यादा खुश है, हैप्पी है. अनफॉर्चुनेटली मिली की जो फादर है ना, वे इस दुनिया में नहीं है. कार एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है. इस बात से लिंडा काफी ज्यादा दुखी भी रहती है, लेकिन लिंडा हमेशा ये सोचती है कि नहीं, मिली को कभी परेशान नहीं किया जाए, मिली को कभी इनके पिताजी का याद नहीं आए, मैं इसे इतना प्यार. बच्चे, लिंडा दोबारा से शादी नहीं करती है क्योंकि वह अपने कह सकते हैं कि एक्स हस्बैंड जो थे इनसे काफी ज्यादा प्यार करती है. और जब कभी इन्हें शादी का ख्याल भी आता है तो यह एक बार लिंडा के बारे में, मिली के बारे में सोचती है और उनके बारे में याद करते हुए कभी भी शादी न करने का निर्णय लेती है. बच्चे, इसमें स्टोरी यह है कि एक बार की बात है, लिंडा अपनी बेटी को, मिली को लिए हुए एक खेत में जाती है. खेत में मिली अपने गुड्डो गुड़ियों के साथ, आप जानते हो किस तरह से डॉल्स के साथ बच्चे लोग खेलते हैं, तो उस तरह से मिली खेल रही होती है. छोटी सी बच्ची, तीन चार साल की है, या छोटी सी बच्ची वह खेल रही है. और वहीं पर एक टेबल पर बैठी हुई लिंडा जो है अपनी माँ को, दैट इज मिली के ग्रैंड मदर के लिए एक लेटर लिख रही है. अब मिली के जो ग्रैंड मदर है ना, वो हमेशा मिली के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहती है. ये भी मिली से काफी ज्यादा लव करती है, तो ये हमेशा इसके लिए क्यूरियस रहती है और इसके बारे में पूछते रहा करती है. अब क्या होता है कि लिंडा लिख रही होती है और मिली वहां पर खेल रही होती है. खेलते खेलते मिली को एक चीज की कमी नजर आती है. मिली सडनली देखती है कि उसका मतलब उसके पास एक डॉल थी जो काफी ज्यादा उसकी फेवरेट थी, वो डॉल वहां नहीं है. तो इस चीज को मिली देखकर वहां से उठती है, अपने कमरे की तरफ जाने की सोचती है. जैसे ही वह खड़ी होती है तो वहां पर लिंडा उसे देखती है और इसे शायद एक छोटा सा डर लगता है कि अब जो मिली है कहीं गिर ना जाए, इसे चोट न लग जाए, इसे वह उसके पास चली जाती है, उसे गोद उठा लेती है. और ये अपनी नानी से, सॉरी इनकी नानी से, मिली की नानी से बात भी कर रही होती है. तो मिली की नानी भी पूछती है कि क्या कर रही है मिली. ये बताती है कि अभी खेल रही है अपने गुड्डे गुड्डी के साथ, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, खत लिख रही हूँ, आपसे बातें भी कर रही हूँ. तो इस तरह से बातें करते करते मिली उठती है, फिर से कमरे की ओर जाने की सोचती है. और उसके बाद इसकी माँ जो है उन्हें छोड़ देती है. मिली वापस भी आ जाती है, अपने डॉल को लेकर खेलने भी लग जाती है. अब जिस जगह पर लिंडा बैठी हुई है ना, उससे कुछ दूरी पर मिली खेल रही है. और वहीं पर एक बच्ची जो है अपने हाथ में एक ऑरेंज लेकर, ऑरेंज को उछालते उछालते इनके पास आती है, लिंडा के पास आती है. और बहुत ही बोल्डली, एक बोल्ड गर्ल है, बहुत ही बोल्डली पूछ देती है, बिना हेजिटेशन के पूछ देती है कि क्या मैं आपकी बेटी के साथ खेल सकती हूँ, मुझे उससे दोस्ती करनी है, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए चली आई, अगर आपकी आज्ञा हो तो. आमतौर से अगर बच्चे को देखा जाए, 2 साल 3 साल 4 साल के अगर कोई बच्चे हो और किन्हीं स्ट्रेंजर पर्सन से बात करना हो तो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है उनसे बात करना, काफी ज्यादा रेडिक्यूलस फील होता है ऐसे जगह पर. लेकिन ये जो नादिया है ना,
छोटी सी बच्ची बोल्ड गर्ल जो है कभी भी हेजिटेट नहीं करती है और किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से किसी से भी पूछ लेती है। ये जो नादिया यहाँ पर आने के बाद बोलती है कि मुझे आपकी बेटी से खेलना है, यहाँ पर लिंडा बोलती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। नादिया बताती है कि मैं दो सप्ताह पहले ही मैं इस जगह पर अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आई हूँ। मेरे मदर और फादर जो है अभी घर में है, बाहर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खेलना चाहती हूँ। मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मैं आपकी बेटी से दोस्ती करना चाहती हूँ और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कर सकती हूँ। देखो कि वह अकेले खेल रही है, वह आइसोलेटेड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ, उसके साथ खेलूँ, उसे भी एक फ्रेंड की जरूरत है। लिंडा इस बात को देखने के बाद इसके मन में माता है तो मातृत्व है ना, करुणा जो है जाग जाते, इसे लगता है कि अगर इससे दोस्ती कर लिया जाए या इससे दोस्ती अगर कर लेती है तो ये जो मेरी बेटी जो है शायद इसे चोट आ जाए खेलते वक्त, या इनकी बेटी हमेशा से अलग ही रही थी और ये नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी इन्हें छोड़कर, दैट इज मीन स्पेशली लिंडा को छोड़कर और किसी से लव करे या और किसी के साथ चली जाए। यह हमेशा इनके मन में एक डर बैठा हुआ रहता था, लिंडा के मन में एक डर हमेशा ये बैठा रहता था कि कहीं इसकी बेटी मिली इससे दूर ना चली जाए। अपने हस्बैंड के तो पहले से खो ही चुकी थी, अपनी बेटी को अब यह खोना नहीं चाहती थी। काफी ज्यादा नम भाव से वह मना तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वह बोलती है कि बच्चे अगर उसके साथ खेलोगे तो पहले तो वो अकेली खेलना पसंद करती है, लेकिन ठीक है अगर आप उनके साथ खेलना चाहोगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी जो मिली है वो बहरी भी है और गूंगी भी। इस बात को सुनने के बाद नादिया को थोड़ा आश्चर्य होता है, सी जस्ट स्टिल स्टैंड्स स्टंड, वो खड़ी रह जाती है, आश्चर्यचकित होकर देखती रह जाती है। उसके बाद वह पूछती है ठीक है कोई बात नहीं, क्या वह बातें कर सकती है, इशारों से, उंगलियों की इशारों से क्या वह बातें कर सकती है। तो लिंडा बोलती है यस सी कैन बट अ लिटिल बिट, हाँ कर तो सकती है लेकिन थोड़ा बहुत। इसके बाद नादिया जो है अपने हाथ में ऑरेंज लिए हुए रहती है, उसे देती है कि लिंडा आंटी को देती है कि आप लीजिए और मेरी फ्रेंड जो है, दैट इज मीन कभी तो दोस्ती नहीं हुई है, हाँ मिली को आप इसे दे दीजिएगा, काफी ज्यादा खुश हो जाएगी मिली इस चीज को देखकर। अब ये जो पूरा बात था ना, उस पूरे बात को मिली कुछ दूर से सुन रही थी, इसकी मदर को शायद पता नहीं था कि मिली इस बात को सुन रही है। जब लिंडा घर में गई तो मिली वहीं पर दरवाजे के पास इनका इंतजार कर रही थी। लिंडा घर में गई, उसके बाद मिली उनसे पूछती है कि माँ वो कौन थी, इनके तरफ मिली काफी देर तक देखते रहे, माँ वो कौन थी आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो इनकी माँ उन्हें बताती भी है कि बच्ची ऐसा ऐसा बात है। इस बात को सुनने के बाद मिली काफी ज्यादा कुछ देर के लिए उदास होती है, लेकिन ये इनकी जो माँ है उन्हें लगता है कि नहीं मेरी बेटी को हर्ट हुआ है। ये अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और बोलते हैं ठीक है अगले बार से आप तुम खेल सकती हो कोई बात नहीं, उसे गले लगा देते हैं, आलिंगन करने लग जाते हैं उसे। अगले ही क्षण जैसे ही वह अगले सुबह घूमने के लिए निकलती है गार्डन में, तो कमरे में मिली को नहीं देखती है, जब बाहर निकलती है तो देखती है कि या मिली एंड नादिया वर प्लेइंग देयर इन द फील्ड एंड दे वर ऑल हैप्पी एंड दे वर फ्रेंड्स। उसके बाद जाने लिंडा भी मिली और नादिया से दोस्ती कर लेती है, कर सकते हैं कि एज एन आंट एंड मदर जैसा भी आप चाह लो तो इस तरह से दोस्ती कर लेती है। तो बच्चे ये छोटी सी कहानी हम लोग को बताती है कि एक माँ का कितना ममतत्व है, एक माँ हमेशा कितना अपने बच्चों के लिए क्यूरियस रहती है, इसे हमेशा एक एक पल का चिंता होता है इन्हें कि अगर इसे मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है उन माओं के लिए जो हमेशा अपने बच्चों से प्यार किया करते हैं। वीडियो पसंद आया।